पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ईबुक और पोल्ट्री हार्डबुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ईबुक और पोल्ट्री हार्डबुक दोनों में भी सेम इन्फॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ईबुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्डबुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 9172611143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। दोस्तों मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से कम फीड का इस्तेमाल करके हमारी जो भी ब्रॉयलर मुर्गियाँ होती है या फिर मीट प्रपोज के लिए अगर आप कोई भी देसी मुर्गियाँ पालते हो जैसे कि सोनाली मुर्गी होगी या फिर डिब्रोस मुर्गी होगी, इनको कम से कम फीड खिला के किस तरीके से ज़्यादा वजन प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा हमारी मुर्गियाँ फीड खा लेती है लेकिन उस मुकाबले में हमारा FCR मेंटेन नहीं होता, फीड की काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लग जाती है लेकिन हमारी मुर्गियों का बॉडी वेट प्रॉपरली नहीं आता। ऐसे में पुराने पोल्ट्री फार्मर के साथ साथ जो नए पोल्ट्री फार्मर होते हैं उनके तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ होती है। जागरण में आपको गाड़ियों की आवाज़ आ रही होगी जो कि मैं हाईवे के कुछ दूर से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ऐसे में अगर आपको ऑडियो में कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा तो इसको मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। इसमें जब कभी भी कम से कम फीड खाके अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा वजन चाहिए रहेगा तो उसमें आपको 3 से लेकर 4 बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट हर एक बात आपको क्लियर करा के बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक के पूरा देखिएगा जिससे कि आपके पूरे के पूरे पॉइंट क्लियर आउट हो जाएंगे। सबसे पहली बात, अच्छी क्वालिटी का फीड इस्तेमाल करना, ठीक है। बहुत ही नॉर्मल सा है लेकिन बात को समझिए पहले। अच्छी क्वालिटी का फीड का मीन्स क्या होता है, भले ही जो भी 50 किलो की बैग होती है उसकी प्राइस 50 रुपये से लेकर 100 रुपये की अगर कोई बैग महंगी होती है या फिर कोई कंपनी का फीड महंगा होता है फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कोई फीड सिर्फ सस्ता मिलता है बस इसी कारण से अगर आप उस फीड का इस्तेमाल करते हो तो ऐसे में घटिया क्वालिटी का फीड अपने मुर्गियों को देने की वजह से आपका प्रॉपर तरीके से FCR भी मेंटेन नहीं होता और आपको काफ़ी ज़्यादा खाने का खर्चा आ जाता है। दूसरी बात, जब कभी भी आप कोई बर्तन में फीड वाला जो बर्तन होता है उसमें कोई फीड डालते हो तो ऐसे में आप बहुत ही ऊपर से वो फीड डालते हो, ऐसे में जो भी पाउडर फॉर्म में जो मेडिसिन वगैरह उसमें मिलाई जाती है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते समय, ऐसे में वो पाउडर उड़ जाता है, मतलब वो फीड से निकल जाता है, जिससे क्या होता है कि आपकी मुर्गी तो फीड तो खाती है लेकिन वजन बढ़ाने के लिए जो भी पाउडर फॉर्म में मेडिसिन उसमें फीड सप्लीमेंट के तौर पर मिलाई गई थी वो फीड में से निकल जाती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब कभी भी फीड आप बर्तन में डालते हो ऐसे में बहुत ही जो ऊपर का जो ढक्कन होता है फीडर का उस ढक्कन के एकदम नज़दीक से आपको फीड डालना है, जिससे कि जो भी पाउडर फॉर्म की जो मेडिसिन रहती है फीड में वो वहाँ पर प्रॉपर तरीके से पहुँच पाए। उसके बाद लिवर टॉनिक और ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल करना, हाँ ये बात आपको भी पता है लेकिन मैं नए पोल्ट्री फार्मर्स को बता दूँ लिवर टॉनिक का काम क्या होता है। लिवर टॉनिक हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब कभी भी आपकी मुर्गी उसके पर डे के जो फीड इंटेक होता है पर डे का उतना फीड इंटेक अगर वो आपकी मुर्गी नहीं कर रही, इसका सीधा सा मतलब है उसका लीवर के साथ साथ जो उसके इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम होती है वो प्रॉपर तरीके से खाना जो होता है उसको हजम नहीं कर रही है, जिससे की वजह से आपकी मुर्गी नया दाना फीड इंटेक नहीं कर पा रही है। ऐसे में आपको अगर आपकी मुर्गी का फीड इंटेक बढ़ाना है, जो कि आपकी मुर्गी का अगर फीड इंटेक बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा से ज़्यादा फीड खाएगी और कम से कम दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा वजन बढ़ाएगी। तो ऐसे में फीड इंटेक बढ़ाने के लिए और खाए वाला दाना प्रॉपर तरीके से हजम करने के लिए आपको लिवर टॉनिक देना होता है। लिवर टॉनिक दो तीन तरीके के फायदे आपको पहुँचवाता है। पहली बात तो लिवर को स्ट्रॉन्ग करता है, खाने को डाइजेस्ट करने में प्रॉपर तरीके से मदद करता है, खाना डाइजेस्ट होने के बाद उसको शरीर में प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट करने में और उस फीड से जो भी किलो कैलोरी जो और एनर्जी मिली है जो भी प्रोटीन्स वगैरह मिले हैं उसको प्रॉपर तरीके से मुर्गी के शरीर में एब्सॉर्ब करने में भी लिवर टॉनिक मदद करता है, ठीक है। जिससे कि आपका क्या होता है इनडायरेक्टली कम फीड खा के कम से कम दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा फीड खा के आपकी मुर्गी ज़्यादा वजन गेन करके इनडायरेक्टली आपकी मुर्गी प्रोडक्शन कॉस्ट फीड का कम कराती है और आपको प्रॉफिट पहुँचवाती है। उसके बाद ग्रोथ प्रमोटर का काम क्या होता है, ग्रोथ प्रमोटर में एमिनो एसिड्स मिलाई जाती है जो कि मुर्गी की ग्रोथ को बूस्ट करती है। अगर आप ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल करते हो तो आपकी मुर्गी कम से कम फीड खा के ज़्यादा से ज़्यादा वजन बनाएगी, ठीक है। तो इस तरीके के आपको 3 से लेकर 4 बातों का अगर आप ख्याल रखते हो, अगर आप नए पोल्ट्री फार्मर्स हो तो इन 3-4 बातों का ख्याल रख के लिवर टॉनिक का इस्तेमाल करना है, ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल करना है,
उसके बाद जो भी फीड होता है वो एकदम पास से अपने फीडर में डालना है, और उसके बाद चौथा पॉइंट एकदम अच्छे और बेस्ट क्वालिटी के रेडीमेड कंपनी का फीड का इस्तेमाल करना है। अगर खुद से फीड का फॉर्मेशन करते हो तो फीड फार्मूले की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे के अच्छा फॉर्मेशन बना के फीड तैयार कीजिए, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिले। इसी तरह का एक पोल्ट्री का नया वीडियो लेकर मैं मिलता आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।